लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता ही चला जाता है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल के मंत्री साधन पांडे अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं, उनकी तबीयत खराब चल रही है। साधन पांडे के सीने में तेज दर्द हुआ और इसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उनका ब्लड प्रेशर भी काफी लो है। फिलहाल स्थिति स्थिर है। और आइए आपको आगे लिए चलते हैं। कहते हैं रक्तदान महादान होता है, रक्तदान के जरिए रक्त की एक एक बूंद कहते हैं बहुत कीमती होता है और रक्तदान के जरिए हम लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। बर्नपुर में तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया और इस रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। आपको बता दूं कि इस रक्तदान शिविर के दौरान शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने भी रक्तदान किया और एक मिसाल कायम की। মানুষের যখন রক্তের সংকট হয় অশোকের নেতৃত্বে মাস্টারমশাইরা এগিয়ে এসে সেই সংকটকে দূর করার প্রয়াস করে। আজও সেই ভাবনা তাদের মধ্যে জেগে উঠেছে যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলবো, মানুষের পাশে থাকবো। যে পথে সমস্ত কর্মসূচিগুলো পশ্চিমবঙ্গের নাগরিককে জানান, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের জানান, পশ্চিমবঙ্গের অভিভাবকদের জানান, যাদের মাধ্যমে আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে যাবে। রক্তদাতা আপনারা জানেন যে বিগত পাঁচ মাস থেকে যখন থেকে দেশে কোভিড-19 জাতীয় বাজার শুরু করে প্রমাণিত যে শিক্ষক শিক্ষিকারা সময়ের প্রয়োজনে কিন্তু এগিয়ে আসেন এবং আজকে শুধুমাত্র ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। आज ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा हुई और रानीगंज में क्या हाल रहा, हमारे संवाददाता जाहिद अनवर आपको बता रहे हैं कि वहां किस तरह से परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और किस तरह के इंतजाम यहां किए गए थे प्रशासन की तरफ से। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, मैं हूँ जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आज पूरे पश्चिम बर्धमान में पूरी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ खास बात इंडिया के माध्यम से, कि आज वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का परीक्षा चला जा रहा है और हमारे पीछे साफ तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह यहाँ से बच्ची और बच्चा जो यहाँ पे निकल रही है एग्ज़ाम दे के, और किस तरह यहाँ पे प्रशासन द्वारा और कॉलेज द्वारा जो मैनेजमेंट है किस तरह की जा रही है उसकी पूरी जानकारी के लिए कि यहाँ पे इनके पेरेंट्स से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एग्जामिनेशन के मौके पर स्कूल कॉलेज द्वारा और प्रशासन द्वारा क्या सुरक्षा दी गई है। पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। ফিল তো ভালোই করছে, অনুভবটাও ভালো, এখানে ব্যবস্থাপনাও ভালো, কোভিড প্রোটোকল মেনেই সব কিছু হচ্ছে এখানে। না কোনো জায়গাতে, এবং দেখলাম প্রশাসনের দিক থেকেও ব্যবস্থাটা ভালো, মানে গাড়ি সেরকম কোথাও আটকাচ্ছে না বা কিছু না, কোনো প্রবলেম হয়নি। না না না, ট্রাফিক ভালোভাবে মেনটেন হয়েছে আজ।
ডিউরেশন তো 10:30 ইন ছিল এখানে, আর 11 থেকে পরীক্ষা স্টার্ট, 1টা অবধি ফার্স্ট ফেজ ওদের ম্যাথস আছে, আর সেকেন্ড ফেজটা 2টো থেকে, মানে 2টো স্টেপে এক্সামটা কমপ্লিট। হ্যাঁ, টাইম ঠিকই আছে, 2টো থেকে আবার 4টে এখানে, মাঝে 1 ঘন্টার ব্রেক দিয়েছে, ছেলে মেয়েরা দূর থেকেও আসছে তো তো খাওয়া দাওয়াটা সুবিধা হবে ওদের। আপনার কি এক্সাম দিচ্ছে? আমার ছেলে, ওনার নাম অনুরাগ ব্যানার্জি। আপনার নাম? কবিতা ব্যানার্জি। মানে এসেছেন কোথা থেকে? মানে এসেছেন কোথা থেকে? আসানসোল। মাইসেলফ এভরিথিং ইজ অল রাইট, এভরিথিং ইজ বিইং ডান পিসফুলি, নো প্রবলেম। জাস্ট আফটার দ্য এক্সাম স্টার্টেড পুলিশ ভ্যান কেম, পুলিশ সিকিউরিটি ওয়াজ ইজ দেয়ার, সো দ্য চিলড্রেন আর নট ফেসিং এনি প্রবলেম। এভরিথিং অল রাইট, পারফেক্ট। মাই সন সুমন চক্রবর্তী ফ্রম আসানসোল, মালবিকা চক্রবর্তী। From which news channel? आप कहाँ? नहीं, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा मेंटेन कर रहा है लोग, ठीक है, और गार्जियन भी जो है उसी हिसाब से हम लोग भी चाह रहे थे कि नहीं कितना फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। वहाँ के लेके बाहर में जांच वाँच किया, ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह दिया, स्कैनिंग वगैरह किया, ये है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 11 बजे से लेके 1 बजे तक फर्स्ट सीटिंग है, और सेकंड सीटिंग जो है 2 से 4। अभी फर्स्ट सीटिंग दे रहा है, इसके बाद फिर 2 बजे से होगा उसका। अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं, अब जो कोरोना का जो स्थिति है पहले से तो सुधरा है, और एग्ज़ाम को भी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम मान लिया हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए है, तो आपको तो टाइम पर ही लेना है, उसका रिजल्ट देना है, ताकि बच्चे जो है आगे पढ़ाई कर सकें। एग्जाम दिया सन कौन? आयुष कुमार मेरा लड़का है। आपका नाम? पंकज यादव। कहाँ से आए? दुमका से आए, झारखंड। प्रोटोकॉल बहुत सही मेंटेन है यहाँ पर से, जब भी हम लोग आए थे तो प्रशासन भी थी यहाँ पर से, और स्कूल मैनेजमेंट भी, अगर कहीं पे भीड़ भी लग रहा था तो वो लोग बोल रहे थे बाकायदा कि आप यहाँ पे भीड़ नहीं लगाएं, आप रोड से साइड हो जाएं, थोड़ा दूर बैठें, तो किसी तरह का वैसा इश्यूज नहीं था, बहुत सही मेंटेन था यहाँ पर। एग्जाम सही जा रहा है? एग्जाम सही जा रहा है, सब चीज़ बहुत सही था यहाँ पर, क्योंकि कुछ जगह पे और भी हैं, मेरे साथ कुछ और लोग थे, तो वहाँ से मेरे को यहाँ पे थोड़ा बेटर लगा यहाँ पर, क्योंकि पहले से जो टीचर्स थे वो खड़े थे, वो बकायदा चिल्ला के बोल भी रहे थे कि आपको ये पेपर चाहिए, बकाया और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सारे चीज़ें आपको स्कूल जो है वो देगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो एग्ज़ाम देने आई कौन हुआ? मेरी सिस्टर है। क्या नाम? खुशबू कुमारी। बता दीजिए किस हिसाब से? जी, एग्ज़ाम जो चालू होने वाला है वो 1 PM मतलब 11 बजे से चालू होने वाली थी, 2 आवर का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट इंटरवल में, फिर उसके बाद फिर से 2 बजे से दोबारा चालू होगी, जो कि फिर से 2 घंटा का चलेगा, तो टोटल 4 घंटा का हो जाएगा, 4 बजे तक ख़त्म, बीच में 1 घंटा का गैप है। क्या जी? हेमंत पासवान। आसनसोल के उषा ग्राम इलाके में एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया, इस मौके पर शहर की गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने इस रेस्टोरेंट के मालिक रवि सिंह बग्गा से खास तौर से बातचीत की और उनसे पूरी जानकारी ली। नमस्कार, मैं दीपराज सिंह बग्गा, ऑल्सो नोन एज, पॉपुलरली नोन एज रॉबी बग्गा, मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर। ये हमारा जो कंसेप्ट है ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस स्पेस था, तो हमने क्या किया इसको, हमने इसको 6-7 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ये जो हमारा रेस्टोरेंट है, मॉर्निंग 8 to 11 का कंसेप्ट है, आप सुबह ब्रेकफास्ट में कचौड़ी सब्जी की प्लेट्स, समोसेज, जलेबीज, साउथ इंडियन फास्ट फूड में सैंडविचेस, बर्गर्स एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है पूरा शोरूम एरिया, पूरा कॉर्पोरेट हब है, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली बेसिस किया, सादा फोकस किया हमने थालीज पे, हमने थालीज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है, 1 is 60, 1 is 80 एंड 1 is 100, जिसमें 3 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस मिलती है। 60 वाली थाली में नॉर्मल बेसिक थाली है, 80 में थोड़ा सा और ज़्यादा यूनिक आइटम्स मिलेंगे, एंड जो हमारी स्पेशल थाली है उसमें रायता, चटनी, पापड़ एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स है। एंड हम लोग जो सेक्शंस में केटर कर रहे हैं वो स्वीट्स हैं, स्वीट्स में 3 तरीके की स्वीट्स हैं, खोए की स्वीट्स, छेने की स्वीट्स, देसी घी की स्वीट्स, साथ में नमकीन और खोया, छेना सब हम लोग अपना खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ में वी आर केटरिंग विद इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड।
हमने बाहर एक छोटा सा कियोस्क बिठाया चाय के लिए, जिसमें आपको 6 से 7 तरीके की चाय मिलेंगी। चाय का टाइमिंग होगा फ्रॉम मॉर्निंग 8 to 6, और चाय किसे नहीं पसंद है। इनफैक्ट मुझे लगता है हर बंदा चाय पीता है, हर एक आदमी चाय का शौकीन है। एंड साथ में फ्यूचर में हमारा प्लान है, साथ में जो हमारे पास में जो जगह खाली है चाय कियोस्क के बाजू में, हम लोग एक चाट का कियोस्क लगाने वाले हैं, जिसमें 4-5 तरीके के गोलगप्पे के पानी एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आपको चाट हम लोग खिलाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी आपको अच्छा से अच्छा खाना खिलाना, हाइजीन मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। सो कीप सेफ, थैंक यू। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से लगातार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जामताड़ा जिले के नाला से हमारे पास खबर आ रही है। नाला से हमारे संवाददाता गौतम ठाकुर ने खबर भेजी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से लगातार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। आज भी एक जबरदस्त आंदोलन किया गया, यहाँ सत्तासीन पार्टी के खिलाफ कई तरह की बातें कही गई। हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्थानीय नेता तापस भट्टाचार्य से खास तौर से बातचीत की। हेमल सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हेमल सरकार मुर्दाबाद, 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 हेमल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे झारखंड की वातावरण है, सिर्फ आज भाजपा के युवा मोर्चा नहीं, झारखंड में समूचा युवा वर्ग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, आज सरकार से त्राही त्राही कर रहा है। उनके कार्यकाल में युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकला। उन्होंने इलेक्शन के समय वादा किया था कि हम साल में लाखों युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी मिलना तो दूर की बात। उनके भविष्य लेकर सरकार के पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। आज हमारे यहाँ के नौजवान बेरोजगार दूसरा प्रदेश भाग रहा है। कोरोना की विपरीत परिस्थिति में हमारे युवा रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश भाग रहा अपने परिवार छोड़ के, जिंदगी का रिस्क लेके, लेकिन सरकार मौन बैठा हुआ है। उनकी मौनता को तोड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी अपने युवा मोर्चाओं के बैनर तले सरकार की जो पाप की घड़ा है, उस पाप की घोड़ा को हम लोग जन समक्ष के पास तोड़ रहे आए हैं, और युवा मोर्चाओं को भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेंगे, ये आप लोग वचन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ झारखंड की जनता का हित का विपक्ष में काम करता है सरकार, जहाँ जहाँ जनहित विरोधी काम होता है, भारतीय जनता पार्टी उनका सदैव विरोध करते आ रहा है और आगे भी हम लोग विरोध करेंगे।